हाथ में पैरों में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज, वात रोग, घुटने या कमर में दर्द होता है, तो एक ऐसा बीज खाना आज से शुरू कर दीजिए। आपको इससे इतने फायदे मिल जाएंगे कि बहुत सारी दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी। और बहुत सारे लोगों ने इन बीजों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ छोड़ भी दी है, क्योंकि इसके अंदर इतने पोषक तत्व भरे हुए हैं जो हमारे शरीर की इन सभी छोटी छोटी तकलीफों को बिल्कुल दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट की है, यानी कि थोड़ी सी लंबी है और हम सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर हमारे पैरों की नसें बहुत ज्यादा दुखती हैं, शरीर के जॉइंट हैं वो बहुत ज्यादा दुखते हैं, नसें कमजोर हो रही हैं, नसों में ब्लॉकेज आ रही है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, जिस वजह से आपकी कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, हाथों और पैरों में दर्द हो रहा है, शरीर में अकड़न जैसी समस्या लगातार बनी हुई है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी मुख्य वजह होती है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान। इन सारी वजहों से नसों में कमजोरी आने लगती है, शरीर में सारी प्रॉब्लम होने लगती है। आखिर कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर की नसें कमजोर हो चुकी है? दोस्तों, यदि आपकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी है, थोड़ी देर चलने से चक्कर आने लगते हैं, तो समझिए कि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, अपच, अनिद्रा की समस्या हो गई है, शरीर में खून की कमी होना भी नसों की कमजोरी को बताता है। आइए अब जानते हैं नसों की कमजोरी होने के कुछ मुख्य वजह। दोस्तों, नसें कमजोर होने के 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है विटामिन B12 की कमी, दूसरा है फॉलिक एसिड की कमी, तीसरा है पोटेशियम की कमी और चौथा है शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। इन 4 चीजों की शरीर में कमी होने लगे तब शरीर में नसें जो है वो कमजोर और नसों में ब्लॉकेज होने लगती है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये विटामिन B12 होता है, ये हमारी नसों पर एक सेफ्टी कवर की तरह काम करता है। जब भी विटामिन B12 की शरीर में कमी होने लगती है तो ये कवरिंग भी कमजोर पड़ने लगती है, नसें कमजोर होने लगती है। और विटामिन B12 का ही एक साथी है फॉलिक एसिड, वो भी हमारी नसों के ऊपर एक कवरिंग, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसीलिए डॉक्टर भी विटामिन B12 की कमी होने पर टेबलेट देना शुरू कर देते हैं और फॉलिक एसिड साथ में ही देते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर नसों की कमजोरी हो गई है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों को शामिल करना है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी होता है। दूसरा आपको करना क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें, यानी कि अखरोट है, अलसी है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मछली और अंडे का सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छी मात्रा में होता है। आप चिया के बीज खा सकते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी से भी ज्यादा होता है। या फिर बाजार में मिलने वाला फिश ऑयल का इस्तेमाल भी टेबलेट के तौर पर कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछकर। इसके अलावा अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता देती हूँ जो हमारे घर पे होती है, वो है दोस्तों किशमिश। आप किशमिश खाने की आदत डाल लीजिए, काली किशमिश या फिर जो पीले से रंग की होती है, जो भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट की शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, काली किशमिश मिल सके तो बहुत अच्छा है, यानी वो पुरानी होती है, ये नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करती है। रोजाना करीब आपने 10 से 15 दाने रात को पानी में भिगो देने हैं और सुबह इसे अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। जब आप इसे भिगो रहे हैं पहले धो लीजिए, क्योंकि रात को आपने जिस पानी में भिगोया है वो पानी भी आपने साथ में ही पीना है। ये घरेलू नुस्खा अगर आपने 1 महीना रोजाना कर लिया तो ये नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ वो कौन से बीज हैं जिनका सेवन करना है। वो है दोस्तों पंपकिन सीड, यानी कद्दू के बीज, किसी भी किराना की दुकान पर या फिर ड्राई फ्रूट शॉप पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको रोजाना सिर्फ 1 चम्मच ही कद्दू के बीज लेने हैं। 1 चम्मच कद्दू के बीज आपने रोजाना अपनी डाइट में जरूर शामिल करने हैं। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो इन बीजों को भिगोकर सेवन कीजिए। यानी कि अगर आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है तो आपने भिगोकर सेवन करना है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही चबाकर या भूनकर खा सकते हैं। दोस्तों, रोजाना सिर्फ आपने 1 चम्मच ही इसका सेवन करना है। आप इसे भूनकर हल्के गुनगुने दूध के साथ अगर सेवन कर लेते हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरी तरह से दूर कर देगी। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पंपकिन सीड के अंदर
पोटेशियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी काफी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर आपको इसे चबाने में या खाने में दिक्कत आती है या किसी भी कारण से आप इसे चबाना नहीं चाहते, तो दोस्तों आप इसका पाउडर रोस्ट कर लीजिए हल्का सा, फिर ठंडा कीजिए और उसके बाद इसका पाउडर बनाकर दूध के अंदर घोल कर दे दीजिए। बच्चों को ऐसे दिया जा सकता है, बुजुर्गों को इस तरीके से दिया जा सकता है। दोस्तों वैसे कहा जाता है विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन चीजों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पंपकिन सीड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेवन करने से जो नॉन वेजिटेरियन खाने से हमें नुकसान होते हैं वो भी नहीं होंगे और हमारे शरीर के अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन B12, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जैसे कि मैंने आपको वो चारों चीजें बताई जिनकी कमी से नसें कमजोर होती है, तो पंपकिन सीड लेने से ये चारों की चारों चीजें पूरी हो जाएंगी। किशमिश भी आपने अलग से जरूर भिगोनी है और इसका सेवन करना है। इसके अलावा आपने दो प्राणायाम डेली रूटीन में जरूर करने हैं, वो सबसे पहला है दोस्तों भस्त्रिका और दूसरा है अनुलोम विलोम। ये दोनों आपने डेली रूटीन में जरूर करने हैं, ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करते हैं, पूरे शरीर को आपको हेल्दी रखने हैं। परहेज के तौर पर आप बता दूं कि आपने नमक कम खाना है, चीनी कम खानी है, आइसक्रीम यानी ठंडी, बहुत सारी ठंडी जो चीजें होती है उनका सेवन आपने नहीं करना, ऑयली फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, इन चीजों को आपने अपनी डाइट से बिल्कुल बंद कर देना है। आपने कब्ज नहीं होने देनी, यानी ऐसी चीजें नहीं खानी जिनसे कब्ज हो, और अगर आपको कब्ज हो रही है तो पहले आपने कब्ज का इलाज करना है, यानी कि रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध के अंदर एक चम्मच देसी घी, घर का देसी घी जो होता है ना, वो डालकर जरूर पीना है, यानी कि कब्ज कभी हो ही ना। वैसे आपने ऑयली चीजें नहीं खानी, यानी देसी घी अगर आप एक चम्मच दूध के अंदर डाल के लेते हैं तो कब्ज नहीं होने देगी और शरीर को वैसे भी ये ताकत देता है, घर का बना होना चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसी पोषक तत्व वाली चीजें हैं जो नसों की कमजोरी को दूर करती हैं, नसों को पोषण देती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।